hello everyone welcome to our channel biochemistry guide today we will see the second part of chapter ecosystem okay in the previous video we have seen ecosystem structure and function productivity decomposition and energy flow in this video we will talk about the ecological pyramid ecological succession nutrition cycle nutrient cycle and ecosystem services so let's start the topic

जो पिरामिड होता है एनर्जी पिरामिड या बायोमास पिरामिड ये सारे जो अलग अलग तरह के पिरामिड्स पाए जाते हैं ओके द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट द टर्शरी ऑफ द टॉप लेवल कंज्यूमर तो इस लाइन का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो बेस होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारे होते हैं और जो सबसे ऊपर की एपेक्स होती है जो पतली सी ऊपर पाई जाती है पिरामिड में उसको क्या कहते हैं वो क्या हमें शो कर रही है वो हमें टर्शरी या फिर जो टॉप लेवल के कंज्यूमर्स हैं उनको शो कर रही है द थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर यूजली स्टडीड आर पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी तो कौन से तीन तरह के पिरामिड्स होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायो मास और पिरामिड ऑफ एनर्जी ओके okay? तो यहाँ पे दी हुई है ये किसकी है पिरामिड ऑफ नंबर इन a grassland ओनली थ्री टॉप top आर सपोर्टेड इन द the ecosystem बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली सिक्स मिलियन प्लांट यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे अप्रॉक्स सिक्स मिलियन जो प्लांट्स हैं, यानी प्रोड्यूसर थे सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक लेवल में कितना नंबर था अराउंड मिलियन प्लांट्स है लेकिन आखिरी तक आते आते डी कंज्यूमर कितना हो गया थ्री ओनली थ्री ठीक है टॉप कर्निवर्स आर सपोर्टेड बाय द इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली सिक्स मिलियन प्लांट्स ओके ये क्या है ये है पिरामिड ऑफ बायोमास। सो डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें कितने हैं 809 मान लो यहाँ जो बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास है वहां की शुरुआत प्रोड्यूसर की कितने नंबर से हुई 109 और लास्ट तक दर्शी कंज्यूमर तक आते आते क्या हो गया वन ओके नाउ और ये फाइटो प्लैंकटॉन्स है ऊपर जो प्रेजेंट है और नीचे जो है ये जो है वो फाइटो प्लैक्टॉन्स है और यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है ये क्या है जू प्लैंक्टॉन्स ठीक है ये डायग्राम है आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी एनर्जी की पिरामिड्स की आइडियल पिरामिड है ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी टेन थाउजेंड जूल्स एनर्जी की जो कि आखिरी तक कहाँ पहुंची टेन जूल क्योंकि हम जानते हैं टेन परसेंट जब भी ट्रांसफर होगा तो टेन परसेंट दूसरे लेवल पे जाएगा तो उसी के हिसाब से ये वाला पिरामिड है ठीक है

यही ना कि उसका जो भी जिससे वो बना हुआ है उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करे इन रिस्पॉन्स टू किसके इन्वायरमेंट की कंडीशन इन्वायरमेंट की कंडीशन जैसे जैसे बदले वैसे वैसे उसकी जो भी कंपोजिशन है या फिर स्ट्रक्चर है यानी कंपोजिशन का मतलब क्या है किसी भी कम्युनिटी का उसमें रहने वाले स्पीशीज उसकी प्लांट्स जो कि अफेक्ट होती है इन्वायरमेंट से होती है ना अगर ड्राई कंडीशन है तो प्लांट्स की जो भी स्ट्रक्चर होगी उसमें डिफरेंस रहेगा अगर मॉइस्चर है एयर में ज़्यादा तो उस समय प्लांट्स के लिए डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होंगे तो यही सारे चीज़ें जो कम्युनिटी में चेंजेस होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटिस्टिक होता है किसके सारे कम्युनिटीज के ठीक है दिस चेंज इज ऑर्डरनी एंड सिक्वेंशली सिक्वेंशियल Parallel with the changes in the physical environment, okay? These changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment, and that is called climax community. तो जब भी किसी community की starting होती है, वो end कहाँ पे होती है? climax पे, ठीक है? climax पे बोहा के खत्म होती है। तो इसी तरह changes changes धीरे-धीरे धीरे-धीरे कहाँ आती है? climax

एरिया में एक एरिया हमारे पास है और उसकी जो स्पीशीज की कंपोजिशन है वो धीरे 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 बदल रही है इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन ओके और इसी तरह के सक्सेशन के कुछ स्पीशीज के कोलोनाइज होने का एक एरिया में और numerous, तो इस तरह के में क्या हो सकता है? कुछ स्पेशीज खत्म भी हो सकती है एकदम से गायब हो जाए या फिर उनकी जो स्पेशीज की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए डिक्लाइन हो जाए ओके फिर एंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटी इन एरिया कॉल्ड सरे किसे कहते हैं जो कि एंटायर जो सीक्वेंस हो किसी कम्युनिटी का जिसमें थोड़ा थोड़ा करके सक्सेसफुली चेंजेस आ रहे हैं किसी एरिया में जो मौजूद पूरा वो कम्युनिटी है उसमें जो चेंजेस है उसको हम सरे कहते हैं द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म डेथ सीरियल स्टेज एंड सीरियल कम्युनिटीज इन द सक्सेशन सीरियल स्टेज देर इसीज इन द नंबर

चीज़ें आ सके ग्रो कर सके तो सक्सेशन ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ वहाँ ऐसी जगह स्टार्ट होती है जहाँ पे पहले से लाइफ नहीं है दीज कुड बी एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेम एवर एक्जिस्टेड लाइक बेयर रॉक्स इसके एग्जाम्पल और इन दैट सम हाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गन डेयर या फिर एकदम खाली जगह हो या फिर वहाँ पे किसी कारण यानी फ्लड के कारण या फिर दूसरी किसी क्लाइमेटिक जो भी कंडीशन बिगड़ती है उस तरह के कारण वहाँ पे सारे स्पेशीज पहले से गायब हो चुके हों लुप्त हो चुके हों द फॉर्म इस कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन तो इस तरह के सक्सेशन को सबसे पहले हम क्या नाम देंगे प्राइमरी और इसके बाद जो इसमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन एग्जांपल ऑफ द एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन आकर आर न्यूली कूल्ड लावा बेरॉक्स क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे जहाँ प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होगा तो न्यूली कूल्ड लावा ऐसा लावा जो कि अब वो एक्सप्लोर हो चुका है और वहाँ पे अब लावा जो है वो ठंडा भी हो रहा है और वहाँ पे सक्सेशन की नई शुरुआत हो सकती है कि वहां नया लाइफ ग्रो ठीक है न्यूली क्रिएटेड या फिर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो जब भी नई शुरुआत होती है वो धीमे धीमे धीरे धीरे स्टार्ट होती है ओके बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ अ डाइवर्स ऑर्गेनिज कैन बिकम स्टैब्लिस देर मस्ट बी सोइल तो किसी भी बा, बायोटे कम्युनिटी का कहीं पे भी ग्रो करना, करना अपने आप को उसमें क्या चाहिए होता है सबसे पहले पे होना बहुत क्यों होना जरूरी है क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा प्रोड्यूसर्स आएंगे प्रोड्यूसर यानी हमारे प्लांट्स और प्लांट्स को क्या इम्पोर्टेंट होता है सॉइल इम्पोर्टेंट होता है ओके okay? तो ये लाइन समझ में आ गई डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस कहा गया है कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में की जब भी एक नई बायोटेक कम्युनिटी स्टार्ट बनना शुरू होगी तो उसमें कितना टाइम लग सकता है बहुत टाइम लगेगा और वो प्रोसेस स्लो होगी ठीक है इसके पीछे का रीजन भी हम लोग देख ले अब हम देखेंगे सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे हो स्टार्ट होगी तो सेकेंडरी सक्सेशन बिगिन इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉय जहाँ पे पहले जो प्रेजेंट बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हो किसी कारण खत्म हो गई हो क्या क्या कारण हो सकते हैं अबंडन फार्मलैंड्स लैंड बर्न और कट फॉरेस्ट लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड तो एक ऐसा लैंड जहाँ पे पहले से फ्लड आया हो या फिर उसको जला दी गई हो पूरा फॉरेस्ट ही कट कर दिया गया हो या फिर फार्म लैंड वो पहले से पहले फार्म लैंड हो लेकिन अब वहाँ पे फार्मिंग ना हो रही हो यानी बंजर जमीन हो ठीक है तो इस तरह के जगह पे सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं ओके Descriptive or description of ecological succession usually focuses on changes in vegetation. However, these vegetation changes, in turn, affect food and shelter for various types of animals. The thus and

फायर हो जाए या डिफॉरस्टेशन हो जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी स्टेज चल रहा होगा इस सक्सेशन का सीडल स्टेज होगा या फिर बहुत अर्ली स्टेज होगा या फिर हम कहते हैं क्लाइमेक्स आने वाला होगा तो वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा डिस्टरबेंस मींस वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है अच्छा क्यों अच्छा इसलिए क्योंकि मान लो अगर वहाँ पे थोड़ी ज्यादा नहीं लेकिन कम थोड़ी बहुत आग लगती है तो वहां पे फायर हो जाएगा और फिर चीजें जलने की जिसके कारण कार्बन कार्बन की कंपाउंड वहां पे ज्यादा हो जाएगी ज्यादा होने ज्यादा मतलब ऐसे ही की उनके यूटिलाइज करने में आसानी हो तो वो चीज़ वहां पे उनको फायदा कर सकती है लेकिन अगर पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही जल जा रहा है लेकिन मतलब फॉरेस्ट अगर पूरा जल जा रहा है तो हमें मिलेगा क्या कुछ भी नहीं तो इस तरह से वो नुकसान भी कर सकता है ओके होता है और जेराज सक्सेशन कहा होगा इन ड्राई एरियाज द स्पीशीज दैट इनवेट दॉक्स जो सबसे पहले स्पीशीज आती है जो खाली जगह पे इनवेट uh, करती है उनको हम क्या कहते हैं पॉइनियस स्पीशीज कहते हैं और जो प्राइमरी सक्सेशन रॉक्स पे हो रहे हैं वो कौन सबसे पहले प्रोड्यूस करता है लाइकेंस लाइकेंस करते हैं विच आर एबल टू सिक्रीट एसिड टू डिसॉल्व रॉक्स इनका काम क्या होता है रॉक्स का डिसॉल्व करना और इन ये किस प्रोसेस से करते हैं बाई दी हेल्प ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस ठीक है दीज लेटर पेव वे टू सम वेरी स्मॉल प्लांट लाइक टू टेक होल्ड इन कर रहे हैं वहां पर रास्ता बना देते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल में भी ये ब्रायोफाइड्स ग्रो कर सकती है ठीक है दे आर फिट दाइम सक्सेड बाई हाई प्लांट अब ये धीरे धीरे टाइम कुछ समय बाद क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी किसमें लार्ज हायर प्लांट्स में एंड सेवरल मोर स्टेजेस और कुछ अलग दूसरे भी स्टेजेस में ये चेंज हो जाएंगे अल्टीमेटली अ स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी इस फॉर्म लास्ट में क्या होगा स्टेबल क्लाइम

यहाँ पे सबसे पहला जो डायग्राम है हमारा फाइटो का यहाँ पे दिया हुआ है इसमें क्या दिखा रहा है इसमें ये दिखा रहा है कि ये एक जगह है खाली जगह है जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा सम्मर्ज प्लांट्स स्टेज जाएगा जिसमें यहाँ पानी में जो सॉइल प्रेजेंट है वहां पे क्या होगा धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करेगी ये ब्रायोफाइट्स हैं फिर ब्रायोफाइट्स के बाद सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आएगा जो कि धीरे धीरे ये वाली स्टेज जो है चेंज होके प्लांट्स वो वहां ग्रो करेगी okay. उसके बाद क्या होगा ये रीड स्वाप स्वाम्प स्टेज इसमें धीरे धीरे ये सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाएंगे और ये इसमें चेंज हो जाएंगी मार्स मिडो स्टेज जो कि बड़े प्लांट्स में ये सारे से चेंज हो जाएंगे फिर स्क्रब स्टेज आया जिसमें ये सारे चेंज होके एकदम बड़े बड़े वाले प्लांट्स हो गए फॉरेस्ट बन गया यहाँ पे क्या बना फॉरेस्ट ये पूरा एग्जाम्पल था हमारा प्राइमरी सक्सेशन का था अब हम देखेंगे न्यूट्रिय साइकिल्स मूवमेंट ऑफ ecosystem is called nutrient साइकिल तो so, nutrient साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो nutrients के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम में हमेशा मूव कर रहे हैं इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत सिंपल इसी के नाम में इसका नाम पता नाम में ही लिखा हुआ है समझा रहा है कि कहना क्या चाह रहा है करता क्या है ठीक है तो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग हो रही किसमें इकोसिस्टम में हो रही बस सिंपल अनदर नेम ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इज बायो जियोकेमिकल साइकिल बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जियो का मतलब होता है रॉक्स एयर वाटर ओके तो बायो जियोकेमिकल्स की साइकिल ओके okay? तो न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरह के होते हैं गैसेस और सेडिमेंटरी सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन साइकिल की ये एक एक न्यूट्रिएंट साइकिल है जिसमें कार्बन की साइकिलिंग होती है कार्बन एलिमेंट की साइकिल होती है तो वेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स कार्बन कंस्टिट्यूट फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ ड्राइवेट ऑफ ऑर्गेनि एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर वाटर के बाद सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ड्राई वेट कार्बन का प्रेजेंट होता है जो कि फोर्टी नाइन परसेंट हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होता है इफ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन वी फाइंड दैट 71% कार्बन इज फाउंड डिसॉल्व इन ऑक्सीजन तो डिसॉल्व इन ओशियंस तो ओशियंस में 71% क्या पाया जाता है कार्बन पाया जाता है तरह काम। क्या होता है? जो पहले से कुछ कंजर्व करके रखा है तो यहाँ पे कार्बन का रिजर्व कौन बन रहा है ओशन बन रहा है ठीक है फिर फोजल फ्यूल आल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्व फॉर कार्बन तो यहाँ पे दो रिजर्व है कौन कौन से एक तो फॉसिल फ्यूल्स हो गए और यहाँ पे पहले बात किया गया है तो दो के, और बन गए कौन कौन फॉसिल फ्यूल्स और ओशनिक एक कार्बन साइकिलिंग अक थ्रू एटमोसफियर ओशन थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिम्स अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट फोर इन Ten to the power thirteen kilo of carbon is fixed annually in the biosphere through photosynthesis. Itna carbon hum log kaise fix karte hain by the help of photosynthesis. Okay, photosynthesis sa process aap ko pata hoga pehle a considerable amount of carbon returned to the atmosphere as CO two through respiratory activities of the producer and consumer. Decomposer also contribute. Substantially to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of lands or oceans. Some amount of the fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation. Burning of forest, woods, हमने देखा कि कौन कहाँ कहा, कहा से कार्बन का सोर्स है तो कार्बन का सोर्स फॉजल फ्यूल से है कार्बन का सोर्स हमारे एटमोसफियर पे ऐसे ही प्रेजेंट है ओशन में है या फिर डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिम जो लिविंग बॉडीज होती है उससे मिलता है और कहाँ से मिलता है बर्निंग ऑफ वर्ड हो गया फॉरेस्ट फायर कम्बन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फॉजल फ्यूलिक एक्टिविटीज से भी हमारा कार्बन मिलता है तो इतने सारे कार्बन के हमारे हैं ह्यूमन एक्टिविटी हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल रैपिड डिफोरेस्टेशन एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉजल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफेयर ओके अब हम देखेंगे फास्फोरस साइकिल तो फास्फोरस साइकिल में क्या होगा फास्फोरस एलिमेंट है जो कि साइक्लिंग की प्रोसेस हो रही है हमारे इकोसिस्टम में वो साइकिल कर रहे हैं। फास्फोरस इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स मेनी एनिमल आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक सेल बोन्स एंड तेत तो फॉस्फोरस कहाँ का इम्पोर्टेंट होता है बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनमें क्या बनता है बोन या बनाने में का काम होता है बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है और हमारे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है या फिर हमारे बॉडी किससे बनी है न्यूक्लिक एसिड से बनी है और हमारे बॉडी में कुछ एनर्जीज हैं जो कि कहाँ से आती है फॉस्फोरस से आती है ओके नेचुरल रिजोर्स ऑफ

And dead organisms are decomposed by phosphate, solubilizing bacteria, releasing phosphorus. Okay. अनलाइक कार्बन साइकिल रिलीज ऑफ फॉसफोर इन टू एटमोसफेयर तो हमारे फॉसफोरस का कोई रिलीज नहीं होता है द अदर टू मेजर एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द फॉस्फोरस आर फर्सली एटमोस्फेयरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस टू द रेनफॉल आर मच स्मॉलर दैन कम्पेजन टू कार्बन इनपुट तो हमारे जो रेनफॉल्स uh, होती है उस सबसे ज्यादा अमाउंट क्या निकलता है कार्बन ना की फास्फोरस का इससे हमें फास्फोरस नहीं मिलता है एंड सेकेंडली द गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर इनएग्निजिबल तो गैस का जो एक्सचेंज हम अभी अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं इससे फास्फोरस का कोई भी अमाउंट uh, हम जो इन्वायरमेंट है उसमें रिलीज नहीं करते हैं ठीक है एकदम जीरो अमाउंट रिलीज करते हैं नेकलिसबल जो कि होता है सो एवरीपन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव लाइक दिस